और ये आप ये देखिए, ये वो तमाम सोने की वो चीज़ें हैं जिनसे ये चोर जो है चेन स्नैचिंग करके भागे थे। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेन देखी मैंने अपनी, जो मेंटली भी मैं थोड़ा थी ट्रॉमा में एक दो दिन, तो अच्छा लग रहा है देख के कि पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है। वहाँ पे अभी जस्ट स्कूटी पार्क की तो एकदम से पीछे से गोल्ड स्नैचर, चेन स्नैचर आया और उसने मेरी चेन को स्नैच कर लिया। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव के लिए थोड़ी चेन मेरे हाथ में रह गई, लेकिन बाकी वो प्लस लॉकेट था, लेके भाग गया। इनकी साहब की कोऑर्डिनेशन ने ही ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये इतना बड़ा कांड जो है इसको हाईलाइट करके और पकड़ के इनको दिखाया है लोगों को, बहुत ही काबिले तारीफ काम किया। मीडिया के सभी साथियों का बड़ा शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी यहाँ पर आए हैं। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू ज़िले में नॉर्थ और साउथ जोन में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें हमने 4 स्नैचर्स को पकड़ा है और ऑलमोस्ट जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट जम्मू में अभी तक अनरिजॉल्व थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। जम्मू साउथ से शुरुआत करते हैं। 26, 27 और 28 सितंबर को साउथ जोन में 6 चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए, जिसमें कि सैनी कलोनी, ग्रेटर कैलाश, सतवारी, त्रिकुटा नगर, गंग्याल, 3 दिनों में 6 इंसिडेंट्स हुए और थोड़ा सा अनयूजुअल सा पैटर्न हमें लगा, फ्रीक्वेंसी भी अनयूजुअल सी लगी। स्पेशल टीम्स गठित की गई, सीवीज में टीम्स को डिप्लॉय किया गया, सीसीटीवीज हमने एनालाइज किए और हमारे पास कुछ इमेजेस सामने आई जो स्नैचर्स की थी और जिस मोटरसाइकिल पे ये सवार होते थे स्नैचिंग के दौरान उसकी थी। कल सुबह 28 सितंबर को हमारी एक टीम जो कि छन्नी हिम्मत में थी, उन्होंने इन स्नैचर्स को स्पॉट किया, इनका पीछा करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया। जब ये स्नैचर्स त्रिकुटा नगर पहुंचे, इनको ये इलम नहीं था कि इनके पीछे सीबीज में हमारी टीम लगी है और सभी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। वहां पे इन्होंने एक लेडी की चेन स्नैच की और उसके कुछ दूर ही हमारी जो टीम्स थी उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। जब पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर इन्हें लेके आए तो इनके नामों के बारे में पता लगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम धर्मिंदर कुमार और राम सेवक, शामली यूपी के ये लोग रहने वाले हैं और जो इन्होंने त्रिकुटा नगर में स्नैचिंग की थी वो चेन हमने मौके पे जब्त की, अपने पोजीशन में ली, उसको कस्टडी में लिया। इनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें ये पता लगा कि जो बाकी 5 इंसिडेंट्स हैं स्नैचिंग के उनको भी इन्होंने ही अंजाम दिया है और सांबे ज़िले में इन्होंने वो चेन्स छुपा के रखी थी। हमारी टीम्स ने कल वहाँ से ये चेन्स को रिकवर किया। आज हमारे बीच में जो इन चेन्स के राइटफुल ओनर्स हैं वो भी मौजूद हैं, ये अपनी चेन्स की शनाख्त के लिए आए हुए हैं और लीगल प्रोसेस के बाद इन्हें ये चेन्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन दोनों की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग से ये भी पता लगा है कि ये पिछले 4 साल से दोनों स्नैचर्स सक्रिय हैं और इन्होंने काफ़ी सारी वारदातें स्नैचिंग की हैं, जिसमें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद हम लोकल पुलिस से टाई अप करेंगे बाहर के प्रदेशों की, ताकि जहाँ जहाँ पे भी ये इन्वॉल्व होंगे इनकी कस्टडी चेंज होके उनको वहाँ पे गिरफ्त में लिया जा सके और उनकी भी रिकवरीज हों। अब मैं जम्मू नॉर्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पे केनाल रोड पे, रूपनगर में, जानीपुर में और पलोड़ा में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए।
पिछले 10 साल में जिन्होंने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स किए थे और जो लोग हमारी गिरफ्त में आए थे उनको हमने फिर से पुलिस स्टेशन वाइज उठाना शुरू कर दिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और इसी दौरान आज सुबह जानीपुर की टीम ने 2 स्नैचर्स को पकड़ा जिनके नाम हैं आकाश और राहुल, जो दुर्गानगर जम्मू के रहने वाले हैं, ये लोकल ही हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने ये 5 इंसिडेंट्स किए हैं और इन्होंने ये जो स्नैच्ड चेन्स हैं ये मुथूट फाइनेंस को दे दी हैं और बदले में इन्होंने पैसे ले लिए हैं। कल हमारी टीम्स जो हैं वो मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप करेंगी ताकि ये चेन्स रिकवर हो पाएँ और जो इसके लॉफुल ओनर्स हैं उनको ये चेन्स वापस मिल पाएँ। इसके साथ साथ जो मुथूट फाइनेंस पे कार्रवाई, उचित कार्रवाई बनती होगी वो भी हम करेंगे। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का और ख़ास करके जम्मू के उन सभी वासियों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने अपने घर में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं। ये जो सीसीटीवीज हैं इसकी मदद से हमारे काफ़ी सारे केसेस रिजॉल्व हुए हैं और इस केस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। और आपके माध्यम से उन सभी को अपील भी करता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सीसीटीवीज वो अपने घरों में अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बाहर सीसीटीवीज लगवाएं ताकि हम जितना हो सके इस क्राइम को प्रिवेंट कर पाएं और अगर कहीं पे कोई भी वारदात होती है और फाइनली उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएं, उसको रिजॉल्व कर पाएं। इसके साथ मैं अपील करता हूँ सभी ज्वेलर्स से, ज्वेलर एसोसिएशन से और ये फर्म्स जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, इनके पास कोई भी अगर जाता है ऑर्नामेंट्स लेके, गोल्ड लेके, सिल्वर लेके या कोई और ऑर्नामेंट लेके, एक बार ये वो ज़रूर चेक करें कि क्या उनके पास जो लोग आए हैं इस सोने को बेचने के लिए या गिरवी रखने के लिए, क्या वो उसके असल मालिक हैं भी हैं कि नहीं हैं, कहीं वो स्नैचिंग के ज़रिए से ली हुई चेन्स तो नहीं है, कहीं वो चोरी के ज़रिए से ली हुई चेन्स तो नहीं है। सभी का अगर साथ रहेगा मैं यकीन दिलाता हूं जैसे ये शहर पहले भी ऑलमोस्ट क्राइम फ्री है ये आगे भी वैसा ही रहेगा। बाकी मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी टीम्स को, एसपी साउथ और एसपी नॉर्थ दोनों यहां पे मौजूद है, बाकी अफसरान भी यहां पे मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात एक किया है और हमने ये ठाना था कि जब तक ये इन स्नैचर्स को हम पकड़ नहीं लेते तो तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। एक बाइक भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, ये TVS बाइक है, ये भी चोरी की बाइक है। काफ़ी बार ये वाली चीज़ देखी गई है कि जो जिन वाहनों का ये इस्तेमाल करते हैं चोरी के लिए तो वो भी चोरी की ही होती हैं, काफ़ी सारे केसेस में नहीं भी होती हैं तो इसे जनरलाइज करना मुश्किल है, मगर कुछ केसेस में ये चीज़ सामने आई। सर जिस तरह आपने मुथूट फाइनेंस सर, कुल कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और कितने केसेस टोटल सॉल्व हुए? हमने इसमें 4 लोगों को पकड़ा है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और 11 केसेस हमने सॉल्व किए हैं। और पिछले दिनों में जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं जम्मू शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, अब वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं और कोई भी केस मुझे नहीं लगता ऐसा बचा होगा, ऑलमोस्ट सारे केसेस ही रिजॉल्व होंगे चेन स्नैचिंग का। सर आपने एग्जांपल दी मुथूट फाइनेंस को लेकर एक, और जिनको चेन स्नैचिंग के मामले में त्रिकुटानगर की बात की आपने वहाँ पर हुई थी उसको पकड़ लिया गया है, एक तो मुथूट फाइनेंस का आ गया, क्या बाकी चोर जो पकड़े हैं उनसे बरामद किया गया है ये तमाम सामान या उन्होंने भी कोई हथकंडे बनाए थे किसी को बेचा जाए या फिर किसी और के गिरवी रख के पैसे लिए जाए? जैसे मैंने बताया कि जो बाकी 5 चेन्स थी जो हमने सांबा से रिकवर की है, ये इनका प्लान यही था कि इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके ये चेन्स को बेच देंगे और वहाँ से फिर उसके बदले में पैसा ले लेंगे। जहाँ पे भी कोई ऐसा इंसिडेंस आता है तो जो कनाइवेंस में लोग होते हैं जिनको ये चेन्स बेची गई हैं स्टोलन प्रॉपर्टी के मसले में, उनको भी उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हमेशा ही की जाती है। सर ये चारों चोर जो हैं वो बाहरी राज्यों के या लोकल? 2 UP के रहने वाले हैं और 2 लोकल हैं। सर क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा क्या मोटिव है चोरी करें भी? आजकल जिस तरीके से नशा बढ़ते जा रहा है क्या वो नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के केसेस सामने आते हैं ज़्यादातर? अगर मैं इनकी बात करूँ जो स्नैचर्स की जो बाहर से आए हैं, उन्होंने अभी 1 दिन ही हुआ है वो हमारे पास है, मैं इतने पुख्ता तरीके से आपको बता नहीं पाऊँगा, बट मुझे लगता है कि वो ड्रग्स में शामिल नहीं है जो अभी तक हमें पता लगा है। और बाकी जो 2 जम्मू के पकड़े गए हैं उनके बारे में
अभी शुरुआती ही जांच है, जैसे ही और चीज़ें और तथ्य सामने आएंगे तो हम आपके साथ साथ। गोल्ड की अभी हमने इसको वे नहीं किया है। एक बार ये अभी आप सभी के लेफ्ट साइड में जो इन चेन्स के ओनर्स हैं जिनसे ये चेन स्नैच हुई थी, ये लोग आए हैं, ये पहचान कर लेंगे, फिर एक सिंगल सिंगल चेन लीगल प्रोसेस के बाद इनको हैंड ओवर की जाएगी। सर पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस को जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। आपने कहा कि जितने भी चोर पकड़े गए हैं आज दो यूपी के हैं, बहुत सारे केस जो हैं वो चेन स्नैचिंग के जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस कितने बहुत सारे केस सॉल्व किए भी होंगे, उसमें आप सर ये बता सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, जम्मू के हैं या बाहरी राज्य के हैं? इस चीज को सप्ली करूंगा सर, बाहरी राज्यों के अपराधियों का जुड़ने से आपके लिए कितना टास्क बढ़ गया है? इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स एकदम से उनका स्पर्ट हुआ, एकदम से राइज हुआ, तो हमने अपने 10 साल का डेटाबेस निकाला, हमारे पास कितने स्नैचर्स पहले अरेस्ट हो चुके थे, हर एक स्नैचर को उनके घरों से जाके उठाना शुरू किया ताकि वो आजकल कहाँ पे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, कहीं वो वही स्नैचर्स तो नहीं है जिन्होंने अब की बार भी स्नैचिंग्स को अंजाम दिया है। इस चीज़ को जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाहरी राज्यों से या जम्मू कश्मीर के लोकल, बट हाँ कुछ इंसिडेंट्स में बाहर के होते हैं और कुछ इंसिडेंट्स में लोकल भी होते हैं, मगर उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस अपना काम ठीक से करेगी फिर चाहे वो आउटसाइड जेके यूटी हो चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, पुलिस हमेशा ही उनकी दबिश करने में कामयाब रहती है। सर थोड़ा अंदाजा बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे, क्या किसी रेंट के मकान में रहते थे? क्योंकि हर बार पुलिस कहती है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है अगर आप कोई रेंट पर रखते हो, तो अभी तक के जो रहने का प्रोसीजर है, क्या कुछ वहां से जानकारी हासिल हुई है? जो शामली यूपी से ये दो लोग आए थे, राम सेवक और धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी आइडेंटिटी इन्होंने फौज की थी, नकली इन्होंने आधार कार्ड्स बनाए थे और कोई भी इनसे पूछता था ये यही कहते थे कि हम माता वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज का इल्म होने देते थे कि ये किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और ये जम्मू में रुके नहीं थे, उस हिसाब से रातें इन्होंने जम्मू ज़िले में नहीं काटी थी, ये कहीं बाहर थे, दूसरे ज़िलों में थे, वो भी आप कोशिश करेंगे एग्जैक्टली ये किस जगह पे थे और कैसे कैसे करके इन्होंने How far CCTV cameras that have been already installed under Jammu Smart City project have been helping you prevent these crimes? Definitely, the cameras installed by the Jammu Smart City, they are helping us and they are helping in a big way. जहाँ पे traffic regulations की बात हो या फिर अगर किसी crime को अंजाम कोई देता है तो उसको पकड़ने की बात हो, हम उनकी मदद लेते हैं। और हाई रेजोल्यूशन वो कैमरास हैं, काफ़ी जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वो इंस्टॉल किए गए हैं, उनकी मदद हमेशा ही हमारे साथ होती है ताकि हम किसी तरीके से क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, इस क्राइम को कंट्रोल कर पाए। चोरियों की वारदातें भी लगातार बढ़ी हैं, तो नशा भी एक कारण है जिस कारण जो है चोरी की वारदातें जो लगातार बढ़ रही हैं? नशा एक रीज़न हो सकता है, और जैसे चोरी की वारदातें हुई हैं तो चोरी के केसेस भी क्रैक हुए हैं, और उसके साथ साथ इस साल 2023 में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक 300 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं, मुझे लगता है कि अगर सालाना देखा जाए तो आज तक का सबसे हाईएस्ट, और हमारी दबिश भी नशाखोरों पर भी बड़ी है और चोरों पर भी बड़ी है। बहुत एक सवाल पूछना चाहता था, जिस तरह डीजीपी दिलबाग सिंह की बात करें, उन्होंने कहा टेररिज्म तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, बट एक नार्को टेररिज्म जो है वो लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोई योजनाएं जो है बनाई जा रही है? मैं जम्मू पुलिस की बात करता हूँ, जहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक जंग लड़ रही है, वहाँ नार्को के खिलाफ भी एक जंग लड़ रही है, और बहुत सारे केसेस में आपने कामयाबी हमारी देखी भी है, और ऐसे ही हम आगे भी काम करते पाएंगे ताकि नार्को टेररिज्म पर कंट्रोल कर पाए। सर मेरी गोल्ड स्नैच हुई थी 26 सितंबर को, हम अपने रिलेटिव्स मासी के घर जा रही थी मैम, तो वहाँ पे अभी जस्ट स्कूटी पार्क की तो एकदम से पीछे से गोल्ड स्नैचर चेन स्नैचर आया और उसने मेरी चेन को स्नैच कर लिया। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव के लिए थोड़ी चेन मेरे हाथ में रह गई, लेकिन बाकी वो प्लस लॉकेट था, लेके भाग गया। मेरा भाई ने उसका काफ़ी उसको फॉलो किया, पर तब तक वो निकल चुके थे, और फिर उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने दो तीन दिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, तो फिर आज कल उनको पकड़ लिया गया त्रिकुटा नगर से, और आज हमें चैन मिल गई है, और हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं स्पेशली पुलिस, जम्मू पुलिस, त्रिकुटा नगर पुलिस, गंग्याल पुलिस, SHO साहिब, जिन्होंने हमारी गुरुद्वारा साहिब की कमेटी ने भी बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट किया, उनकी वजह से आज हमें चैन मिल गई। थैंक्स टू मीडिया आल्सो जिन्होंने
इस मैटर को रिकवर किया, चाहे क्योंकि आगे से सब लोग इस मैटर पे ध्यान दे, केयरफुल हो कि अपने खुद का बचाव रखें। हाँ जी, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। चेन देखी मैंने अपनी, जो मेंटली भी मैं थोड़ा थी ट्रॉमा में एक दो दिन, तो अच्छा लग रहा है देख के कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा हेल्प किया है, और ऑन द स्पॉट उन्होंने बात सुनी, हर किसी ने बात सुनी, आईओ सर, एसआई सर, आईएमएस से, एसएचओ सर, इन्होंने बात सुनी हमारी, और डिग्याना ग्रीन एवेन्यू 26 सितंबर को ही थी ये। अभी कल न्यूज में आया था कि पकड़े गए, तो बाइक देखी जो सीसीटीवी में थी, बाइक वही बाइक थी, फिर हमें लगा कि हाँ मिल गए, यही बाइक थी। हाँ जी, यही बाइक थी। ये दो थे एक ने हेलमेट पहना था, आगे वाले ने, पीछे वाले ने कैप, वो सर के पास है कैप, मैंने बताया था इस कलर की कैप है, वो आइडेंटिफाई भी किया, और यही है ये लोग। पुलिस ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब ट्रस्ट भी था कि हाँ, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने लगाया, दो दिन साथ में रहे वो, और काफी अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया, सुनी बात और आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इनके साहब की कोऑर्डिनेशन ने ही ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये इतना बड़ा कांड जो है इसको हाईलाइट करके और पकड़ के इनको दिखाया है लोगों को, बहुत ही ये काबिले तारीफ काम किया। हाँ यस, मेरी सिस्टर ला हमारे ही घर आ रही थी हमें मिलने के लिए, तो बहुत रास्ते में उनकी चेन स्नैच हो गई, हमारी ही गली, घर के पास ही गली में, दोपहर के 2:15 बजे। ये दो लोग थे, ये दोनों लड़के थे, एक बाइक चला रहा था, कैप पहन के पीछे था, इसको उसने ड्रॉप किया कि तू ये लेडी जा रही है पीछे पीछे चल, तो मैं तुझे जब तू एक्शन कर लेगा मैं उठा के ले जाऊंगा, उसने ऐसा ही किया, उसने पीछे से उनकी चेन निकाली। ये 26 सितंबर की दोपहर 2:15 बजे की सैनिक कोड़ी सेक्टर सी। बिल्कुल, बहुत ही पीसफुल सिटी है हमारा। मैं जीके बैंक में नौकरी की हुई है, मैं श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक कोयम्बटूर तक नौकरी की है, मैंने इतना पीसफुल और इतना बढ़िया इधर आपस में जो हमारा मेल जोल है सब लोगों का, इतना बढ़िया कहीं नहीं देखा। हाँ लग रहा है, अभी देखो ना बहुत से लोग इधर आ गए हैं, अब क्या है इधर देखो, लेबर आई है, कारीगर आए हैं, किस्म किस्म के लोग आए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए हैं, उनके साथ उनका अमला बहुत आ गया है, लेबर्स कई किस्म के लोग, हम क्या कर सकते हैं कैसे। और ये जो गैंग है हमें लगता है ये वेल ट्रेंड है, इनके पीछे कोई पावर ज़्यादा है, पता नहीं कौन है इनके पीछे या कोई नहीं है, ये कोई ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट करने वाले मुझे नहीं लगते ये, क्योंकि इनके पीछे कोई ज़रूर है। हाँ ये जैसे बैगर्स की टोली बनाई हुई है, रखा दो जगह जगह कर दो, पीछे कोई माई बाप और बैठे होते हैं। हाँ जी, वो मेरी सिस्टर ला जिनकी वो हुई स्नैच, मे बी क्यों नहीं, वाई नॉट, हो सकता है इनकी शिफ्टिंग हो, ये 4 दिन ये ऑपरेट करते हुए ये चले जाएंगे यहाँ से, दूसरे कोई और ग्रुप आ जाए। अभी पुलिस को तो और हम लोगों को भी यहाँ के सिटीजन्स को पुलिस को हमें सतर्क ही रहने की जरूरत है। आप सब चोरियों की वारदात काफी हो, ड्रग माफिया जो है, ड्रग के जो नशे के, जो है मतलब नशा, वो भी एक मेन कारण हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है ये नहीं है, भूखे मर रहे हैं, और दूसरे इनको शौक पड़ गया है ये नशा करने का, तो नशा करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो जब उनको अपना कोई कमाई नहीं, सोर्स नहीं, कुछ काम नहीं करना, ये बड़ा इजी सिस्टम है, लेडीज देखा भी कोई जा रही है, ये अकेली मिल गई जने की अपना काम चला लिया, तो ये भी एक मेन कारण है। मैं वही पहले भी बोला आपको, अभी भी बोला, मैं तो पुलिस को, इस फोर्स को सल्यूट करता हूँ, और इन्होंने विद इन 2-3 डेज यो इस मसले को सॉल्व कर दिया है, करके दिखाया है, 7-8 केस हैं, कोई मेरा हमारा अकेला केस नहीं है, तो एवरीबॉडी इज हैप्पी विद दिस एफर्ट्स ऑफ पुलिस एंड सीनियर फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल तक जो भी है, ये इसमें ये नहीं है कि सारे सोल्जर से लेके ऊपर तक जो भी इन्वॉल्व थे इसमें, इनकी जो भी इनकी निगरानी में जो काम कर रहे थे, ब्यूटीफुल काम किया, इन्होंने इंतजाम अच्छा दिया।